2020 के कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान जीटीएच उद्योग में आई गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार जीटीएच उद्योग को बढ़ावा देने और उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए जीटीएच सेवाओं के लाइसेंस से जुड़े दिशा निर्देश में बदलाव के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद इसकी जानकारी दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में डीटीएच के घटते सब्सक्रिप्शन को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार डीटीएच के लिए लाइसेंस की अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने दी है। डीटीएच उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। दरअसल 2020 में कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान डीटीएच बाजार कमजोर हुआ, जिसके कारण पिछले एक साल में डीटीएच के 18 लाख ग्राहक कम हुए हैं। सरकार की माने तो नए दिशा निर्देशों से डीटीएच उद्योग में रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस क्षेत्र के लिए 100% का एफडीआई का फैसला पहले ही किया जा चुका था, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस के चलते ये लागू नहीं हो पाया था। आपको मालूम है देश में अभी लगभग 18 करोड़ टीवी है, उसमें 6 करोड़ से अधिक घरों में डीटीएच की सर्विस मिलती है। तो डीटीएच जो सेवा देते हैं तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजट में और विद वाणिज्य मंत्रालय ने 100% एफडीआई की बात निर्णय पहले ही किया था, लेकिन हमारे आईएनबी की गाइडलाइंस के कारण इस क्षेत्र को 100% एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आज के निर्णय से यह गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहां रहेगी, जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है और इस क्षेत्र को भी 100% एफडीआई के लाया है। डीटीएच उद्योग में कंपनियों के लाइसेंस शुल्क मौजूदा सालाना आधार के बजाय अब तिमाही आधार पर इकट्ठा किया जाएगा और जीआर के जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक डीटीएच संचालकों के जरिए दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5% और संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालन से प्रति पीएस चैनल के लिए ₹10,000 का नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क भी लिया जाएगा। इसके अलावा स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचों को शेयर करने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्कीम को साझा करने की अनुमति भी मिलेगी। चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने सब्सक्राइब मैनेजमेंट सिस्टम और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक हमारे गाइडलाइन के कारण ये 49% तक ही सीमित था, अब 100% होगा। इसके लिए ट्राई से विचार विमर्श हुआ और एक विसंगति जो थी वो दूर की है। उन्हें लाइसेंस भी अब 20 साल तक का मिलेगा और रिन्यूअल हर 10 साल होगा। लाइसेंस फी भी टेलीकॉम सेक्टर जैसी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को भी एक न्याय देकर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की आज निर्णय किया है। बता दें कि इस समय देश में करीब 18 करोड़ टीवी हैं, इनमें से 6 करोड़ घरों में डीटीएच कनेक्शन है। केंद्र सरकार की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि दिशा निर्देशों में संशोधन करने से डीटीएच क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी कि एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क वार्षिक आधार के स्थान पर अब तिमाही आधार पर देने होंगे। अब लेकिन देखना यह है कि सरकार का ये फैसला डीटीएच उद्योग के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है।